समाज में इस टाइम बहुत ज़रूरत है पिताजी की, क्योंकि इस टाइम क्या है, बहुत दुखद टाइम आया हुआ है कोविड-19 की वजह से, जो कि सबको पता ही है। पिछले साल 2020-19 में बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं और 21 भी आधा चला गया है, तो बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये तो सबसे मुश्किल टाइम है। इस टाइम अगर पिताजी यहाँ होते शायद ऐसा टाइम आने वाला ही नहीं था। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा, द फैक्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। आज हम आए हैं डेरा सच्चा सौदा में लोगों को जानने के लिए। आज भी वो डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं। आखिर ऐसा क्या है डेरा सच्चा सौदा में, जानेंगे करीब से संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को, जानेंगे कि आखिर जो लोग उन्हें पर्सनली जानते हैं वो उनके बारे में क्या कहते हैं। तो डायरेक्ट लोगों से रूबरू होते हैं यहाँ पर आने वाले। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? कुलदीप कौर। कहाँ से आई हैं आप? मैं आई हूँ चीका से। मैम आप इतनी दूर से सिरसा में किस लिए आई? हमारा विश्वास ही सिरसा के साथ जुड़ा हुआ है। मेरा पिछला परिवार रतिया से है, हम 20 साल से जुड़े हुए हैं, 20-25 साल से जुड़े हुए हैं। बल्कि मेरे को जब समझ भी नहीं थी, मैंने तब से नाम लिया हुआ है। मैं शायद 3rd-4th क्लास में थी जब से मैंने नाम लिया हुआ है। आगे मेरे इन लॉज गुलाचिका में रहते हैं, तो वो भी बहुत प्रेमी परिवार हैं, वो भी इससे जुड़े हुए हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे को आगे भी ऐसा ही परिवार मिला है। हमारा इतना विश्वास है इस डेरे सच्चे सौदे के साथ में कि हमने हर सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। हम मानवता सेवा के लिए, परमार्थ के लिए, हर काम के लिए, मानवता सेवा के हर काम के लिए हम तत्पर रहते हैं। और हम चाहते हैं कि मतलब हर कोई, जैसे कि हमें यहाँ सिखाया जाता है कि दूसरों की सहायता करनी चाहिए, हैं, जो कि पिताजी के 3 वचन हैं कि 3 वचनों में पूरा रहना है। तो हमारा परिवार चाहे कुछ भी करो, कुछ भी हो जाए, लेकिन उस 3 वचनों से कभी टलता नहीं है, ना ही मेरे इन-लॉज का परिवार और ना ही मेरा मायका परिवार, सब इससे जुड़े हुए हैं। कभी भी इनकी किसी भी बात से हम टलते नहीं हैं। और जो ये बातें जो पिताजी के साथ हुई हैं उसका बहुत खेद है मुझे, क्योंकि ऐसा ये सब कुछ झूठ है। लेकिन झूठ से पर्दा जल्द ही हटने वाला है, क्योंकि कहते हैं ना, सूरज की रोशनी को ज़्यादा देर तक छुपा के नहीं रखा जा सकता। तो हमारे पिताजी तो एक सूरज हैं जिसपे ये जो पर्दा है वो सिर्फ दूसरे लोगों के लिए ही है। वो जब हटेगा ना तो इतनी रोशनी होगी कि सबकी आंखें चकाचौंध हो जाएंगी। हमारी आंखों पे तो पर्दा बिल्कुल पड़ा भी नहीं था, ना कभी पड़ेगा, लेकिन जिनकी आंखों पे अगर पड़ा भी है उनकी आंखें चकाचौंध हो जाएंगी जब ये पर्दा उनकी आंखों से हटेगा। मैडम आज भी आपका विश्वास आपकी बातों से लग रहा है कि ज्यों का त्यों है, बट मीडिया में बहुत कुछ दिखाया गया, तो उस बारे में कितनी सच्चाई थी? क्या अब भी आपको लगता है कि जो उन्होंने दिखाया क्या वो सही था, या आप जो कह रही हैं उस बारे में इन सब बातों में क्या सच्चाई? जो मीडिया में दिखाया गया वो सब झूठ था, उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। उसमें क्या था कि एक बात को दूसरे वे, हर बात के 2 पहलू होते हैं, उसको गलत पहलू से दिखाया गया था। लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब ये सच्चाई सबके सामने आ जाएगी कि ये सब झूठ था। जब मीडिया वाले भी, जो भी जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया था, वो भी यहाँ डेरा में आके खुद माफ़ी मांग के जाएंगे। मुझे इतना विश्वास है, हम सब प्रेमियों को इतना विश्वास है कि वो दिन जल्दी आने वाला है। और जो था वो सब झूठ था, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं थी, सब झूठ था। और ये जल्द ही सब दुनिया को पता चल जाएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। जो लोग डेरा में नहीं आते, उन्होंने कभी डेरा सच्चा सौदा को नहीं जाना, सिर्फ मीडिया के थ्रू जो बातें सामने आई उससे जाना, आप उन्हें क्या बताना चाहेंगे डेरे के बारे में? मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि मीडिया में तो ऐसा है कि बहुत सारी बातें हैं दूसरे वे से भी दिखाई जाती हैं। क्यों मीडिया वालों को ने अपनी आंखों से नहीं देखा? लेकिन मैं हूँ 20 साल से जुड़ी हुई हूँ, अच्छी पढ़ी लिखी हूँ, तो मुझे पता है मैं यहाँ से जुड़ी हुई हूँ। लेकिन जो घर बैठे हैं लोग, उनको दूसरों की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पहले खुद अपनी आंखों से देखना चाहिए कि सच्चाई क्या है। वो कहते हैं ना कि उसके पीछे नहीं, अगर हमें कोई कह दे कि तुम्हारा कान कोई ले गया, उसके पीछे नहीं भागना चाहिए, पहले अपना कान भी चेक करना चाहिए कि वो सही सलामत है या नहीं। तो वही बात है कि पहले उनको यहाँ डेरा में आकर देखना चाहिए कि ऐसा है या नहीं है। दूसरों की बातों पर विश्वास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं यही कहूँगी उनसे कि वो सब झूठ है जो मीडिया वाले दिखा रहे हैं। एक बार यहाँ पे आके देखो, ये मेरा दावा है कि दोबारा या कभी भी तुम पिताजी के बारे में गलत कभी सोच ही नहीं सकोगे। मैम आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, साथ में मैंने डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का, बीएड की हुई है। पर मैंने सुना था कि ये डेरा में सिर्फ अनपढ़ लोग आते हैं और अंधविश्वास है, तो
तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो आपको देखना ही चाहिए, जब मैं खुद पढ़ी लिखी आई हुई हूँ तो मेरे जैसे और भी बहुत लोग आए हुए हैं। ये सब गलत धारणाएं हैं कि यहाँ पे अनपढ़ लोग आते हैं। सारी दुनिया तो अनपढ़ नहीं है और सारी दुनिया पढ़ी लिखी भी नहीं है। ये तो देखो हाथ कंगन को आरसी क्या, ऐसी बात है। देखो जब मैं खुद पढ़ी लिखी आई हुई तो मैं कैसे कह दूंगी कि यहाँ पे सब अनपढ़ आते हैं, या आप कैसे कह दोगे यहाँ पे सब अनपढ़ आते हैं। तो यहाँ पे हर तरह की दुनिया आती है, पढ़ी लिखी और अनपढ़ सब तरह की दुनिया है और सब तरह की दुनिया यहाँ पे आती है। मैम ऐसे कौन से कार्य हैं जो डेरा सच्चा सौदा और गुरु जी के द्वारा किए जाते हैं, और क्या सच में आप लोग उन सबको फॉलो करते हैं? बिल्कुल हम फॉलो करते हैं। जैसे कहीं भी बाढ़ आ जाती है तो हमारे पिताजी की सेवा, जो टीम है, सेवादार भाई हैं, सेवादार बहनें हैं, वहाँ पे पहुँचती हैं। मेरी खुद मदर इन लॉ भी जाते हैं। जैसे ही किसी के घर में कोई भी प्रॉब्लम है, अगर मान लो किसी का घर नहीं बन रहा है, उनका घर बनवा के आते हैं। अगर किसी घर में कोई दिक्कत आ गई उसकी सेवा करते हैं हम। और कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं भूकंप आ जाता है तो वहाँ पे सबकी सेवा करने के लिए प्रेमी सबसे पहले पहुँच जाते हैं, जो कि निस्वार्थ, बिल्कुल निस्वार्थ है। और यहाँ पे डेरा में आने वालों से भी कोई एक रुपया भी दान नहीं लिया जाता है, निस्वार्थ सेवा की जाती है। कोई भी चीज़ हमें चाहिए तो बस कुछ, मतलब डेरा में ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई स्वार्थ है, कुछ भी नहीं है सब। तो आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगी, और क्या आपको लगता है समाज में गुरुजी की अब ज़रूरत है या नहीं? समाज में इस टाइम बहुत ज़रूरत है पिताजी की, क्योंकि इस टाइम क्या है, बहुत दुखद टाइम आया हुआ है कोविड-19 की वजह से, जो कि सबको पता ही है। पिछले साल 2020-19 में बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, और 21 भी आधा चला गया है, तो बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये तो सबसे मुश्किल टाइम है। इस टाइम अगर पिताजी यहाँ होते शायद ऐसा टाइम आने वाला ही नहीं था, लेकिन जो आया है तो इस टाइम पिताजी की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे हमें। क्योंकि उन्होंने हमारी हेल्प करनी है, इस दुनिया की हेल्प करनी है अपनी मानवता सेवा के भलाई के कार्यों से। आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सरकार से यही अपील करना चाहूँगी कि वो अपनी आंखें खोलें और हमें न्याय दें, ताकि हमारे पिताजी देह रूप में हमारे पास आ सके। तो देखिए ये लोग लगातार डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हैं, इनका पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो हमने आप सबके सामने रखा। अब आप खुद डिसाइड कीजिए कि आखिर सच्चाई क्या है, वो जो बना करके बातें, मनगढ़ंत बातें मीडिया में दिखाई गई, या वो जो लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो जो यहाँ आकर फील करते हैं जैसा उन्होंने गुरुजी को जाना। देखते रहिए हमारा चैनल द फैक्ट। आई थैंक यू सो मच।